अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मेरे साथ प्रैंक हुआ। प्रैंक किस तरह हुआ, बल्कि मैंने खुद ही अपने साथ प्रैंक कर लिया। किस तरह हुआ मैं आपको बताता हूँ। यह है रूम A3, ठीक है, और यहाँ पर हमारी आज क्लास थी 2 बजे, ठीक है। अब मैं क्लास के बाहर खड़ा हूँ, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी, ऊपर हो चुके हैं। और मैंने फिर मैसेज किया ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में, कि यार कोई बच्चा नहीं आया अभी तक, तो क्या क्लास नहीं होनी। तो देन मुझे पता चला जी क्लास तो 2 बजे है और मैं 12 बजे यहाँ पर आ गया हूँ। और ये फर्स्ट टाइम 3 सालों में पहली दफ़ा इस तरह मेरे साथ हुआ है। और जिन सर की हमारे साथ क्लास थी अभी 12 बजे, उनकी क्लास वो नीचे दूसरे ग्रुप के साथ है, ठीक है, दूसरी क्लास के साथ है। तो मैं इवन उनसे पूछने जा रहा था कि सर अभी तो आपकी हमारे साथ क्लास है, लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि अपनी क्लास के ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ ताकि पता चले कि सारे किधर हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। तो मुझे पता चला जी क्लास तो 2 बजे है और मैं 12 बजे ही यहाँ पर आ गया क्लास के लिए। और मैं 10-15 मिनट वेट कर रहा हूँ, मैं सो हैरान हूँ कि कोई बच्चा ही नहीं आ रहा आज। तो अब क्या हो सकता है, अब बैठते हैं। 12:30 तो वैसे ही हो चुके हैं, तो 1.5 घंटे और वेट कर लेता हूँ और तब तक कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ मैं सीढ़ियों में बैठा हूँ और तब तक कुछ मैं पढ़ लेता हूँ। सो ये था प्रैंक जो मैंने खुद ही अपने साथ किया। किस तरह, क्योंकि मैंने टाइम टेबल तो देखा था कि क्लास किस रूम में है और कौन से टीचर की क्लास है। और वो इस तरह, पता क्या, वो इस तरह हुआ था कि हमारी एक 10 बजे क्लास थी और उसके बाद ये वाली क्लास है, ठीक है। 10 वाली कैंसिल हुई तो मैंने कहा अगली क्लास 12 बजे है, लेकिन अगली क्लास 2 बजे थी। तो मैं 12 बजे इधर आ गया और यहाँ पर आकर मुझे पता चला जी अगली क्लास तो 2 बजे।